मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 11वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ें। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की ही होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में एक धर्मी जन जो परमेश्वर का भय रखता है और जिसका परमेश्वर के साथ का संबंध ठीक है उसमें और अपनी मर्जी से चलने वाले एक दुष्ट व्यक्ति के बीच के अंतर को हम देखते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को प्यार करता है उसके अंदर हमेशा यही तमन्ना रहती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिताए, और जैसे जैसे वो सत्य के मार्ग में चलता है धीरे धीरे उसका जीवन परमेश्वर के उस सिद्धांत के अनुसार बदलता जाता है। उसका पूरा व्यक्तित्व जिसमें उसका चाल चलन, उसकी सोच, उसकी भावनाएं परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार बदलते जाती हैं। और ये परमेश्वर का अद्भुत काम हम नए नियम के विश्वासी अकेले नहीं, पुराने नियम के संतों के जीवन में भी हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों की एक लंबी सूची देता है जिनके जीवन में बदलाव आया जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ चलते गए। जब उन्होंने अपनी आत्मिक यात्रा शुरू की उनमें कितनी कमियां थी, वो इस लायक नहीं थे, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते गए, परमेश्वर के स्वभाव को जाना, विश्वास में बढ़ते गए। जैसे जैसे वो अपने जीवन के समाप्ति के क्षणों में आए उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बना। जिस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भला है, अच्छा है, परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के सिद्धांत भी बिल्कुल सिद्ध और अच्छे हैं, और ये सब संसार के तौर तरीके से बिल्कुल भिन्न है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के इन सिद्धांतों पर चलता है उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। एक व्यक्ति जो एक समय अपने पापमय लालसाओं के अनुसार जीवन बिताया करता था, अपनी तमन्नाओं के लिए जीता था, वो धीरे धीरे ईश्वरीय स्वभाव में बदलता है और अब उसकी एक ही इच्छा है, एक ही लालसा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छी और सिद्ध है और ये दूसरों के आशीष का कारण बनती है। हम इस इच्छा को, इस सिद्धांत को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने हमारे सामने अपने जीवन के द्वारा उदाहरण दिया। प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है इस पापमय संसार में मनुष्य का रूप धारण कर इसलिए नहीं आए कि संसार का न्याय करें, वरन पापियों को अपने ईश्वरीय प्रेम को दिखाया। और यही एक अंतर है सच्चे परमेश्वर और बाकियों में जो अपने आप को छुड़ाने वाला कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस संसार में मनुष्य को दंड देने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर चाहता तो जिस समय मनुष्य ने पाप अपनी मर्जी से चलने का फैसला किया उसी क्षण उसे अनंत काल की आग में फेंक सकता था, लेकिन प्रेमी प्रभु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा है, उसका प्रतिबिंब है, परमेश्वर के स्वभाव को मनुष्य के सामने प्रकट किया और लोगों के लिए भलाई की। बेशक लोगों ने उसे नफरत किया, प्रभु यीशु ने कहा मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रतिदिन हमारे प्रभु पाप को नफरत किए, पापियों को प्यार किए और लोगों की भलाई की। परमेश्वर का सजा न्याय अपने ऊपर उठाया ताकि हम परमेश्वर के सजा से बचकर हमें एक नया जीवन मिले, और अब इस नए जीवन में जो हमें मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त हुआ है हमें एक शुद्ध और निष्कलंक विवेक मिला है। एक नया मनुष्य हमारे अंदर रचा गया है जो परमेश्वर के का स्वरूप और समानता में है। सो अगर हमारे अंदर एक नए जन्म का अनुभव हुआ है तो हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का वही स्वभाव होना अति आवश्यक है। हमारे अंदर दूसरों की भलाई के प्रति वो चेष्टा होनी है। संसार के लोग मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए अपने विवेक की आवाज को शांत कराने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। जब एक व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ता है
उसके अंदर दूसरों के लिए चिंता आती है, वो दूसरों की भलाई की चेष्टा करता है, वो अपना सुख और आराम की चिंता नहीं करता है। जिस प्रकार हमारे प्रभु ने अपनी महिमा को छोड़कर इस पाप में संसार में हमें प्रेम करते हुए आए ताकि हम अनंत काल के नरक से बच जाए, यही ईश्वरीय प्रेम ने कितने मिशनरियों को प्रोत्साहित किया कि वो अपना सुख का जीवन छोड़कर लोगों की भलाई के लिए जो पाप में पड़े हुए हैं अपने आप को इन्होंने समर्पित किया। वो दूसरों की भलाई इसलिए नहीं किए कि उन्हें आशीष मिले, लेकिन उनकी यही सोच थी कि वो आशीषित हैं, अब दूसरे भी उनके द्वारा आशीषित हों। उनके अंदर एक ही इच्छा थी कि वो दूसरों की भलाई करें और प्रभु से मिली हुई आशीषें दूसरों से बांटें, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। आइए आज सुबह के समय हम अपने जीवनों को जांचें, क्या हम अपने विश्वास के प्रति सच्चे हैं? जो नया जीवन प्रभु ने हमें मसीह यीशु के द्वारा दिया है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का वही मन है, या हमारा मन भी उस संसारिक लोगों की तरह है जो और आशीषें पाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं ताकि लोगों का आदर और इज्जत कमाएं? क्या हम आसपास के लोगों को देखते हैं और अगर उनमें कमी कमजोरी दिखी तो क्या हम उन्हें कोसते हैं? क्या हम उनके साथ बदला के भावना से चलते हैं? परमेश्वर सबको प्रेम करता है और सबको मौका देता है कि उसके प्रेम को चखे, परमेश्वर की करुणा और भलाई को अनुभव कर सके। सो आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें वो बलवंत करें ताकि हम इस दुष्टता भरी दुनिया में हम दूसरों की भलाई कर सकें और परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करें। प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। बाप, आपके चरणों में आकर आपका वचन सीखने का, मनन करने का आप जो हमें मौका दे रहे हैं बाप, आपके करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने जो नया जीवन हमारे अंदर दिया है, इसके द्वारा इन दिनों में प्रभु आपके और करीब आकर हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, उस ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार चलने में प्रभु हमें मदद करें, आप में बलवंत हो सके ताकि दूसरे हमसे आशीष पाएं, आपके स्वभाव को देखें और धन्य हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा नाथा।